भैया आपसे हम लोग सुबह बाइक और एक स्कूटी लेके गए ना रेंट पे। हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। माय नेम इज हिमानी एंड वेलकम टू येट अनदर न्यू वीडियो। आई एम इन मनाली और आज हम एक ऑफ बीट जगह कवर करने वाले हैं, मतलब कि बाइक से जाने वाले हैं। और या बहुत सारे लोगों ने उस जगह का नाम सुना होगा, आपने टाइटल भी देख लिया, आई एम गोइंग टू सेथन। पर सेथन लोग यहाँ से जब आते हैं तो सोलांग और रोहतांग और ये सब जगह जाते हैं मनाली से। सो सेथन कैसा होने वाला है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू बी टेकिंग यू गाइज अलॉन्ग विथ मी। सो लेट्स गो, आई एम गेटिंग रेडी, फटाक से रेडी होके निकलते हैं। हमने बाइक रेंट कर ली है कल शाम को, तो बाइक का जो कॉस्ट है वो है 1000 रुपये, रॉयल एनफील्ड जो बाइक होती है बुलेट उसका 1000 रुपये। एंड स्कूटी भी हमने साथ में रेंट करी है विच कॉस्ट 600 रुपीज़। वैसे 800 रेट चल रहा है, बट भैया से बार्गेन वार्गेन करके 600 रुपये में मिल गई है। तो या बट हम जाने वाले बाइक से, क्योंकि बाइक विल बी मोर कम्फर्टेबल, लोकल्स ने भी बोला, क्योंकि सेथन के रास्ते थोड़े से खराब है, दैट्स व्हाई। तो या लेट्स गो। स्टेप 1, वेक अप, रियली गोना राइज़ विद द सन। स्टेप 2, गेट सम गुड सम फूड इन यू। स्टेप 3, थिंक रियल हार्ड अबाउट व्हाट यू वांट टू बी। स्टेप 4, फक एवरीबॉडी, जस्ट डू योर थिंग। वेक अप, टुडेस गोना बी अ गुड डे। वेक अप, टुडेस गोना बी अ गुड। भैया आपसे हम लोग सुबह बाइक और एक स्कूटी लेके गए ना रेंट पे। हाँ जी। हाँ हाँ, तो आपने इसका आरसी नहीं दिया, हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मांग रहे हैं ये लोग चेक इन चेक पोस्ट पे। सेठन जा रहे थे। आप प्लीज भेज दो, बाइक का भेज दो, है ना, स्कूटी नहीं लाए हम, बाइक लेके आए हैं। अच्छा, जो बाइक का भेजता है भी। प्लीज भेज दो, हाँ जल्दी भेज दो, है ना, हम ये हाँ व्हाट्सएप नंबर यही है। हाँ हाँ भेज दो। ओके एवरीबॉडी, तो यहाँ पर जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आए हैं मनाली मॉल रोड से, हमने ऊपर का रोड लिया और थोड़ा सा आगे आके देयर इज़ अ चेक पोस्ट, क्योंकि ये रोड जो है सेथन की तरफ जाता है और गाड़ी की आरसी जो है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी, साथ में एक डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फिल करना है, और उसके बाद यू कैन गो अहेड, क्योंकि हमने रेंट बाइक ली है तो दे आर चेकिंग दैट। और हमारे जो रेंटल बाइक वाले भैया थे उन्होंने हमें आरसी नहीं भेजी थी, तो मैं अभी उन्हीं से बात कर रही थी और वो भेज रहे हैं। यहाँ पर पास में एक फोटोकॉपी का शॉप है, वहाँ से फोटोकॉपी निकाल के विल गिव इट टू देम एंड देन फिर हम आगे जाएंगे। यहाँ से 40 मिनट्स दिखा रहा है और मेरे ख्याल से नज़ारे बहुत ही क्रेजी होने वाले हैं। सो या लेट्स गो। कितना? 100। Circulation, one step at a time, yeah that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I don't want to die right now. हम पहुंच गए हैं सेथन, और सेथन जो है ये जगह पिछले कुछ सालों में ही थोड़ी ज़्यादा सी इसकी हाइप हुई है, और बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारे इग्लू स्टेज बन चुके हैं। अब ही केम हियर जस्ट टू ड्राइव अराउंड द प्लेस, और हमटा पास का जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वो थोड़ा सा आगे है, तो हम वहाँ तक जाएंगे एंड देन विल गो बैक, और ये है प्लान। बाकी यहाँ पर नज़ारे इतने ज़्यादा सुंदर है ना, मतलब द मोमेंट यू एंटर दिस वैली, ओ गॉड, इट इज़ ऑल लाइक काम, नो रश, नो कमर्शलाइज, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है, बट बीच में हाँ आपको खाने पीने के लिए ऐसे दो चार ढाबे वाबे मिल जाएंगे, बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल, रॉकी माउंटेन्स, एकदम लाहौल वाली फील आ जाती है जैसे ही ऐसे रॉकी माउंटेन्स दिखते हैं तो। और साथ में आपको मैं बताऊँ कितना टाइम लगा हमें पहुँचने के लिए, तो इट टुक अस 40
40-50 मिनट्स, मतलब 1 आवर मान लो आप अगर आप मनाली से आ रहे हो तो. हमने वशिष्ठ से शुरू किया था, उसके बीच में वो चेक पोस्ट आया था, उसके बाद रोड्स थोड़े से ऐसे इतने बुरे नहीं है, लाइक पैची है, थोड़े से ऐसे रफ रोड है. तो या केयरफुली आपको ड्राइव करना है, दैट्स द ओनली थिंग. बाकी आप आराम से आ सकते हो, बस स्कूटी में नहीं आ सकते, बाइक लेके आना पड़ेगा. सो या आई एम हियर इन मनाली विथ माई ब्रदर हु लिव इन US, और मैंने कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया उनको मेरे व्लॉग में, क्योंकि हम इससे पहले लाइक ऐसे प्रॉपर ऐसे ट्रिप पे कभी नहीं गए हैं. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम. So yes, hello. Hello brother. Hello. How are you? Good. Hello everyone. Yeah, so आपने इनको vlog में नहीं देखा होगा, but first time मैंने बहुत ही ऐसे request किया इनसे कि come in my vlog. He is not at all a social person. social person है, but he's not on like social media. That means that's the not on the social media. This is what I mean meant. हाँ. So what do you want to say to my audience? So Himani is making a very good vlog, so hope everyone like it and enjoy her vlog, so you can virtually see the places what she is able to see. So if you are unable to make it, you can at least see in the vlogs. Oh yes, aur bhaiya ki hindi jo hai, bhai ki wo thodi si aise डगमगाई हुई है. वैसे वो साउथ से भी है, तो साउथ वालों की भी हिंदी थोड़ी सी मतलब डिफ़िकल्ट होती है, वो नहीं बोलते ज़्यादा हिंदी. सो यस, अभी हम लोग साथ में यहाँ तक आ गए हैं. तारिका को आज हम नहीं लेकर आए हैं, बिकॉज शी इज़ वर्किंग टुडे और उसका वर्किंग डे है, सो वो नहीं आ पाई. वैसे मेरे पास 2 गाड़ी है, पर स्कूटी जैसा मैंने बताया यू कैन टेक इट हेयर, तो भैया जो है बाइक चला रहे हैं, तो हमने सोचा हम दोनों चलते हैं. और हम आए हैं हमटा पास के ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट तक जाएंगे, और उसके बाद वहाँ से वापस हम जाएंगे, बट आपको साथ में नज़ारे भी दिखाएंगे. सो कीप ऑन वॉचिंग. ओके एवरीबॉडी, सो वी केम लिटिल अहेड 3 किलोमीटर सेथन विलेज से, एंड देन देर इज़ अ पॉइंट जहाँ से हमटा पास का ट्रैक शुरू होता है. आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि इससे थोड़ा सा आगे है, बिकॉज देर आर 2-3 ढाबाज एंड वहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, बट स्टिल हम इसलिए रुक गए कि व्यू यहाँ से इतना सुंदर दिख रहा था और हमें हमटा पास ट्रैक तो करना नहीं है. सो वी आर हेयर फॉर द व्यू ओनली. सो यहाँ सामने वाटरफॉल दिख रहा है, इधर एक लेक जैसा दिख रहा है, बट डेफिनेटली वी विल गो. वो लेक नहीं है एक्चुअली में, दिस इज पावर प्लांट, उसका पानी होगा, बट वो ब्लू इतना सीरीन दिख रहा है कि डेफिनेटली विल गो. अगर हम ऊपर नहीं आते यहाँ पे तो हमको पता नहीं चलता कि यहाँ पर इतना सुंदर सामने दिस समथिंग एंड इतने सुंदर पहाड़, और ओ माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो काम. देयर इज नो वन हियर, जस्ट हम लोग हैं यहाँ पे, बैठेंगे थोड़ी देर, चिल करेंगे एंड या आपको यहाँ का ना ऐसे नज़ारे इंजॉय करो आप, तब तक मैं टाइम लैप्स लगा देती हूँ. Unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a mirror. Okay guys, so as you can see, this is the last पॉइंट यहाँ से आगे यू कांट गो. और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं टेंट लगे हुए, यहाँ से शुरू होता है हमटा पास का ट्रैक, और हम थोड़ा सा ऊपर रुके हुए थे, अभी यहाँ आए हैं, और मतलब लास्ट यहाँ से आगे नहीं जा सकते. अब हमटा पास का ट्रैक करके लोग फिर दूसरे एरिया से उतरते हैं वापस, है तो हम वहाँ जा रहे हैं, मतलब इट्स ऑन द वे. सेथन से भी थोड़ा सा आगे है तो वहाँ चल रहे हैं, वहाँ जाके आराम से लंच करेंगे, सिड्डू विड्डू खाएंगे. Today's gonna be a good day, wake up.
गरम गरम इतनी सॉफ्ट।